नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अजमेरा फैशन के YouTube चैनल पर क्वेश्चन एंड आंसर के नए एपिसोड के अंदर। पिछली बार हमने वीडियो में दो क्वेश्चन कवर किए थे जो काफ़ी ट्रेंडिंग में थे, जो आप लोगों के द्वारा चाहे आप आके मिलते हैं या फिर आप वीडियोस में नीचे कमेंट करते हैं या फ़ोन पे पूछते हैं। आज मैं तीसरा क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पूछा जाता है कि मैं होलसेलर कैसे बन सकता हूं आपसे जुड़कर या सूरत से कपड़ा लाकर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे होलसेल बिज़नेस की। अगर आप कहीं भी किसी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ की लोकेशन, होलसेल मंडी जहाँ पे है वहाँ की लोकेशन आपको सही चूज़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे और होलसेलर बैठे रहते हैं, जहाँ पे रिटेलर्स की रीच होती है, वहाँ पे आपको शॉप देखनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी चीज़, आपके पास लगाने के लिए अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होनी पड़ेगी। रिटेलर मात्र और मात्र 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, रिटेल में भी बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया जा सकता है, लेकिन होलसेलर में बनने के लिए एक लिमिट होती है। मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर आता है। तो होलसेलर बहुत मेन कड़ी होता है इस बिज़नेस के लिए, नहीं सभी बिज़नेस के लिए, कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इसी तरीके से होलसेलर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो होलसेलर का मार्जिन जो है एक लिमिटेशन में रहता है, थोड़ा रहता है। रिटेल में मार्जिन अनलिमिटेड रहता है, जैसा कि आप लोग कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं, नीचे लिखा हुआ रहता है एमआरपी क्या है, इसकी एमआरपी कितनी है। तो कपड़े के अंदर ऐसा होता है कि कपड़े के अंदर एमआरपी नहीं लिखते हैं हम लोग, इसलिए नहीं लिखते हैं कि कपड़े का मार्जिन अनलिमिटेड रहता है। एक रिटेलर की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरीके की एमआरपी उसकी रखना चाहता है। इसके लिए हम लोग कभी भी एमआरपी नहीं रखते हैं। एक लेडीज जो बिज़नेस करती है वो 25-30% तक आराम से जोड़ के बेचती है घर से। और अगर किसी अच्छे शोरूम की बात अगर की जाए तो वहाँ पे 100% तक प्लस होके कपड़ा बिकता है। प्लस डिपेंड करता है कपड़े की क्वालिटी के ऊपर, लहंगे वगैरह की जो वैरायटी आती है, गाउन्स वगैरह की जो वैरायटी आती है, पार्टी वेयर गाउन्स वगैरह जो होते हैं, उसमें कई प्रोडक्ट के ऊपर 3-3 गुना 4-4 गुना तक प्रॉफिट लिया जाता है। तो इसके लिए कपड़े में एमआरपी हम लोग सेट नहीं करते हैं। बात हुई होलसेलर की, तो होलसेलर बनने के लिए आपको सबसे पहले वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि सूरत में आप समझते हैं सभी लोग होलसेलर और डीलर को ही कपड़ा देते हैं, एक रिटेलर को कोई नहीं देता है, क्योंकि होलसेलर देने ही नहीं देता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जब मैं अपने एरिया के रिटेलर को कपड़ा बेच रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देंगे तो फिर मैं किसको बेचने जाऊँगा। तो डीलर का अगर आप काम करते हैं तो एक आपको सेल उतनी देनी पड़ती है, अमाउंट आपको उतनी लगानी पड़ती है, जगह आपको उतनी चाहिए होती है कि आप क्वांटिटी कपड़ा वहाँ पे रख सकें, आपके पास व्यापारियों का फ्लो होना चाहिए कि व्यापारी जो रिटेलर आपके आजू बाजू के गाँव के अंदर है। ऐसा भी होता है कि एक होलसेलर 200-300 किलोमीटर के एरिया को पूरा कवर करके चलता है। जैसे बनारस के इर्द गिर्द जितनी भी जगह हैं, बनारस प्रॉपर बनारस ही नहीं, बनारस के इर्द गिर्द जितनी भी एरिया है, बहराइच है, मिर्ज़ापुर है, इधर जौनपुर है, वहाँ तक के रिटेलर जो है बनारस में आके परचेज करके लेके जाते हैं। सेम चीज़ कानपुर में होती है, सेम चीज़ गोरखपुर में होती है। गोरखपुर के आजू बाजू जितने भी है, देवरिया, पडरौना, वहाँ के होलसेलर अलग है पडरौना देवरिया के, लेकिन फिर भी गोरखपुर आके लोग लेके जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी रेंज रखते हैं, कितनी अमाउंट से आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और किस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहते हैं। आप एक होलसेलर भी बन सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि होलसेल में मार्जिन बहुत लिमिटेड रहता है और रिटेल में आप मार्जिन जो है अनलिमिटेड ले सकते हैं।
तो अगर आप होलसेल भी करना चाहते हैं तो आप सूरत के किसी भी मैन्युफैक्चरर से जुड़ सकते हैं, चाहे वो हम हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं। सूरत में 40,000 मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी से भी बिज़नेस कर सकते हैं अगर आप होलसेल करना चाहते हैं, क्योंकि होलसेलर को कोई मना नहीं करता है सूरत के अंदर। तो मोस्ट वेलकम है सूरत के अंदर आप लोगों का। अगर आप होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हैं होलसेल में, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी रेंज वगैरह और जिस भी क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं वहाँ के हिसाब से आपको प्रोडक्ट हम दे पाएंगे। तो अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो आपने क्वेश्चन पूछा था शायद मैं उसका पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाइड जवाब दे पाया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो किसी आपके जानने वाले या किसी मित्र के काम का हो सकता है तो आप उन लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो हमने ये एपिसोड चालू किया है क्वेश्चन और आंसर का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं जवाब देने वाला हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।